नेक्स्ट जो है ना आपके पास, वो ये वाला जो है क्वेश्चन है, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन नाइट्रेट्स एंड कार्बोनेट्स ऑफ कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। ठीक है, हीट के ऊपर जो है वो कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, ये टॉपिक है आपके पास, और इसमें वो ये आ जाता है कि स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है राउंड ऑफ, ये देखना है आपने। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास ओरिजिन ऑफ फ्लेम टेस्ट। ये जो फ्लेम टेस्ट आपने किया है उसका ओरिजिन क्या है, कैसे प्रोड्यूस होता है, आपके पास कैसे पता चलता है आपको कि फ्लेम टेस्ट हो रहा है, या आप कैसे करते हैं उसको। ठीक है, वो कलर जो है वो क्यों अपीयर होता है मेटल्स में। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास अल्कली मेटल्स शो एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑनली। मेटल्स जो है उनकी प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों होती है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद ये आप लोग कॉलेज केमिस्ट्री की बुक यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, जो पॉइंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ठीक है, ये बेसिकली डिक्रीज होता है यहाँ पर कर लें, अगर आप लोग यूज़ करते हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड है ये आपके पास इन ग्रुप टू एलिमेंट्स। ठीक है, इसको ठीक कर लें, ये भी आ सकता है पेपर में। नेक्स्ट है आपके पास ट्रेंड्स ऑफ सॉलिबिलिटी ऑफ सल्फेट्स एंड कार्बोनेट्स, इनकी सॉलिबिलिटी जो है हाइड्रोक्साइड्स की, या ये अलग से भी आ सकता है कि ग्रुप टू एलिमेंट्स में हाइड्रोक्साइड की जो सॉलिबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप क्यों इंक्रीज होती है, या क्या सॉलिबिलिटी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास ट्रेंड ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स। ठीक है, सिमिलरली इफेक्ट ऑफ हीट ऑन द ग्रुप टू नाइट्रेट्स। ठीक है, उसके बाद बेरिलियम वाला टॉपिक है आपके पास, डिफरेंट बिहेवियर ऑफ बेरिलियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि वाई बेरिलियम हैज़ ओनली फोर मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बेरिलियम के पास सिर्फ फोर मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्यों होते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा क्यों नहीं हो सकते। तो इसका आंसर है बिकॉज द लेक डी सब शेल, इनके पास डी सब शेल जो है वो नहीं होता। ठीक है, द लेक डी सब शेल, और उसके अलावा फिर आप ये शो भी कर सकते हैं इसमें, ये इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से, फिर आप टू एस जीरो करके इसको। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपके पास नेक्स्ट जो है वो ग्रुप फोर एलिमेंट्स। ठीक है, ग्रुप फोर एलिमेंट्स में कुछ ट्रेंड तो वही हैं आपके, आ जाते हैं वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन, एनर्जी वगैरह। ठीक है, लेकिन इसमें आपके पास आ जाता है स्टेबिलिटी ऑफ प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट एंड स्टेबिलिटी ऑफ प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट। इसको एक्सप्लेन करना आ सकता है आपके पास कि हाउ प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ मोर स्टेबल एज यू मूव डाउन द ग्रुप। ठीक है, आप डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो प्लस टू जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये मोस्ट स्टेबल हो जाती है। ठीक, क्यों होती है ऐसा, और प्लस फोर क्यों अनस्टेबल हो जाती है डाउन द ग्रुप। ठीक है, इसमें क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि गिव्स या एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेड प्लस टू। ठीक है, कि लेड प्लस टू की जो स्टेबिलिटी है देन लेड प्लस फोर, इसको आप एक्सप्लेन करें, या हाउ या वट इज़ विच लेड ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ मोर स्टेबल, लेड प्लस टू और लेड प्लस फोर। ठीक है, तो इन सब का जो आंसर है आपने इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट वाला जो पॉइंट है वो याद रखना है कि जो ग्रुप फोर एलिमेंट्स हैं उनमें डाउन द ग्रुप रिलेटिविस्टिक कॉन्ट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से एस सब शेल जो है वो मोर क्लोज हो जाता है न्यूक्लियस के देन पी सब शेल। तो एस में से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करवाना क्या हो जाता है, इट इज़ डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एस सब शेल। ठीक है, सो एस विल शो रिलक्टेंस इन बॉन्डिंग, तो एस जो है वो बॉन्डिंग में रिलक्टेंस शो करता है आपके पास, और सिर्फ पी ऑर्बिटल जो है वो या उसके टू इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और इसी मैक्सिमम रीज़न यही है आपके पास इसकी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास रिएक्शन विद वाटर टेट्राहेलाइड्स का, टेट्राहेलाइड ऑफ ग्रुप फोर एलिमेंट्स का जो है रिएक्शन विद वाटर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है कि ये आपकी बुक में बना हुआ है क्वेश्चन, व्हाई टेट्राहेलाइड ऑफ कार्बन आर नॉट रेडिली हाइड्रोलाइज्ड वेयर एज सिलिकॉन जर्मेनियम टेन आर गेट रेडिली हाइड्रोलाइज्ड। कार्बन जो है वो इजीली हाइड्रोलाइज्ड क्यों नहीं हो सकता, ठीक है, ये वाटर के साथ रिएक्शन क्यों नहीं दे सकता, इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये मैंने एक्सप्लेन भी किया है वीडियोज़ में। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज़ सॉलिड वेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड इज़ गैस। सिलिकॉन डाइऑक्साइड सॉलिड क्यों है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्यों है, इसका आंसर बहुत ही आसान है, आप लोगों की बुक में लिखा हुआ है कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है इसका एक नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, और इसमें आपके पास ईच सिलिकॉन इज कनेक्टेड विद फोर ऑक्सीजन्स इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क ठीक है, तो वो नेटवर्क जो है वो उसमें क्लोज पैकिंग होती है और सॉलिड बन जाता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो होता है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास लीनियर मॉलिक्यूल होता है, और ये मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से वीक बॉन्डिंग के थ्रू जो है वो, बल्कि बॉन्डिंग जो है वो ना होने के बराबर बहुत ही वीक बॉन्डिंग होती है, इसलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ गैस। ये बुक में भी आप लोगों के लिखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास रिएक्शंस, इसके बाद आ जाता है कि ऑक्सीडाइजिंग ट्रेंड जो है हेलोजेंस का, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है,
कि प्रूव द ट्रेंड ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कि हेलोजेंस में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा मॉलिक्यूल है. ठीक है, फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो फ्लोरीन है. ठीक है, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन. ये ट्रेंड गिवन भी हो सकता है आपके पास कि इसको प्रूव करें, और क्वेश्चन भी आ सकता है कि गिव ट्रेंड ऑफ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ हेलोजेंस. ठीक है, इसका आंसर भी मैंने आपको दिया है अलग से. इस तरह से ये एसिड का ट्रेंड भी आ सकता है, गिव ट्रेंड ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ हेलोजन एसिड्स. ठीक है, ऑफ ग्रुप सेवन सेवन के एलिमेंट्स हैं जी, ग्रुप सेवन एलिमेंट्स. ठीक है, इसी तरह से आपके पास रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का भी ट्रेंड आ जाता है, अगर आपने ये याद की हुई है. देखें ये प्रॉपर्टी, वन सेकेंड, ये प्रॉपर्टी अगर आपने याद की है कि फ्लोरीन है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देन क्लोरीन, एंड क्लोरीन इज स्ट्रॉन्ग देन ब्रोमीन, एंड ब्रोमीन इज स्ट्रॉन्ग देन आयोडीन. ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का ट्रेंड है कि हेलो फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, तो